तो दोस्तों आज अंडा करी आपको लोग को बनाने जा रहा हूँ। तो अंडा का इस तरह बॉईल कर देने का पानी में, और पानी के साथ में अंडा भी डाल देने का और इसमें आलू भी डाल देने का, इस तरह को बॉईल करने का। दोस्तों ये मैंने लहसुन को थोड़ा ऐसे खून दे रहा हूँ, तो थोड़ा क्या बारीक हो जाएगा। ये मेरा ये लहसुन है, लहसुन का देखो तो ऐसे खून दे रहा हूँ बारीक बारीक करके इस तरह से। और ये अंडा मैंने है, अंडा है और हरा मटर है और प्याज और टमाटर इस तरह। और अभी अंडे को मैं तेल में इसको हल्का रेड कर देने का, इस तरह से रेड करने पे क्या टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अंडे को हल्का रेड कर देने का, इस तरह से हल्का रेड कर देने का अंडे को, देखो इस तरह से। और उसको निकाल के एक थाली में रख देने का। और इसके बाद इसमें प्याज डाल देने का, बारीक कटा हुआ प्याज डालने का इस तरह से। और उसमें थोड़ा टाइम बाद उसमें कड़ी पत्ता डालने का। इस तरह मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया इसके अंदर, और ऊपर से जो मैंने खूना था इसको बारीक किया था लहसुन, और लहसुन को भी मैंने डाल दिया इस तरह से। और दोनों को हल्का रेड हो जाने देने का, इसको इस तरह से डाल देने का। अभी इसको हल्का हल्का चलाने का और थोड़ा रेड कर देने का, ज़्यादा रेड नहीं करने का, मतलब भून लेने का प्याज और लहसुन को। और एक कड़ी पत्ता डाला इसके अंदर, और कुछ मसाले नहीं है ज़्यादा, तो इस तरह से इसको हल्का रेड कर देने का। और रेड होने के बाद देखो अभी हल्का हल्का रेड हो रहा है, तो इसमें मैंने अभी बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। तो इस तरह से बारीक टमाटर डाल दिया। अब इसको भी थोड़ा तक उसको चलाने का ऐसा इस तरह से, और थोड़ा हल्का प्याज मतलब गलने लगेगा इसके बाद ही कुछ करने का। तो इसको थोड़ा टाइम रख देते हैं इस तरह से चला के मेरा हो गया है, देखो इस तरह से अभी इसको मैंने चला के रख दिया है। और टमाटर जब भी गलने लगेगा तभी दूसरा चीज़ इसके अंदर और मिक्स करने का। अभी आप देखते रहिए कंटिन्यू, वीडियो स्किप मत करिए, नहीं तो फिर आप नहीं देख पाओगे। तो वीडियो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो पे। देखो अभी रेड हो गया है, अभी देखो एकदम कांदा भी रेड हो गया है, और कड़ी पत्ता भी जल गया है देखो एकदम, और एकदम रेड हो गया है। और इसमें मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला डाल दिया है, एवरेस्ट का 1 पैकेट। तो एवरेस्ट मसाला मैंने डाल दिया इस तरह से। अब इसमें इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, ये देखो हल्दी ये है, मैंने हल्दी डाल दिया। ये अपना लाल मिर्च पाउडर है, घर पे पिसा हुआ सब है। ये सूखा धनिया है, और नमक थोड़ा और डाल दे रहे हैं, ये नमक है, नमक डाल दे रहा हूँ। और इस तरह से आप बना सकते हैं घर पे, देखो। और बनाने में कुछ ये नहीं है इस तरह से। और इसको कम आंच पे, आंच एकदम जो उसको ये है स्टोव का आंच एकदम स्लो कर देने का, इस तरह से घुमाने का दोस्तों। तो इस तरह से चला लेने का। अब इसके अंदर मैंने जो अंडा मैंने इसको फ्राई किया था अंडे को तेल के अंदर रेड किया था, वो सब डाल देने का। मटर हुआ, अंडा हुआ और आलू था बॉईल किया हुआ, उसको इसके अंदर मिक्स कर लेने का इस तरह से, और हल्का हल्का चलाने का, नहीं तो अंडा फूट जाएगा। एकदम आराम से इस तरह से चलाने का दोस्तों, इस तरह से हल्का, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाने का, बस थोड़ा सा कर देने, क्योंकि ज़्यादा आप चलाओगे तो मतलब ज़्यादा टाइम रखोगे तो मसाला जल जाएगा, जो आपने सूखा मसाला डाला है ना, तो सूखा बहुत जल्दी पकड़ता है और जल जाएगा, और जो टेस्ट है बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा हल्का बस इसे रोस्ट करने का है, बस हल्का इस तरह से हल्का रोस्ट करना है, 1 से 2 2 से 3 मिनट करने का इस तरह से 2 से 3 मिनट करने का। और थोड़ा इसको रख देने का ऐसे एकदम स्लो आंच पे,
और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। देखो पानी एकदम डाल दिया इस तरह से। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी डाल दो इसके तरह से। बस इसको 10 मिनट रखने का, इसके बाद हो जाएगा। तो इस तरह मैंने अभी 10 मिनट के लिए रख दे रहा हूँ, 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो अभी मेरा जो मैंने 10 मिनट हो गया, तो इस तरह से ऊपर से धनिया डाल के इस तरह से